कर्नाटक राज्य के कुछ कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध पर अपना फैसला देने की उम्मीद है, तो मंगलुरु शहर में इस मुद्दे को लेकर विवाद की खबर सामने आई है। छात्रों के एक समूह ने दावा किया है कि उन्हें मंगलुरु के पी दयानंद पाई सरकारी कॉलेज में अपने सिर पर शॉल के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। परीक्षा के दौरान उनका सामना ऐसे समूह से हुआ जो गुरुवार और शुक्रवार को इस मुद्दे पर विरोध कर रहा था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दावा किया कि प्रिंसिपल ने मुस्लिम छात्रों को सिर पर शॉल पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन बिना किसी पिन के, जो इसे हिजाब जैसा बना देगा। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि उन कॉलेजों में धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जहां कॉलेज विकास समितियों ने छात्र ड्रेस कोड वर्दी निर्धारित की है। छात्रों में से एक ने अपना नाम न बताने की याचना करते हुए कहा कि इस कथित छूट के बाद कुछ मुस्लिम छात्र गुरुवार सुबह कॉलेज में अपनी परीक्षा देने के लिए पहुंचे, जब अन्य छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के साथ उनका विवाद हो गया। प्रिंसिपल ने हमें बिना पिन के सिर पर शॉल पहनकर परीक्षा लिखने की अनुमति दी जब हम परीक्षा दे रहे थे। छात्रों का एक समूह आया और हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। वे कौन थे जो हमें जाने के लिए कहते हैं? इस मामले में पुलिस के मुताबिक विरोध करने वाले छात्र दूसरे कॉलेज के थे और वे कॉलेज का फैसला सुनकर यहां धरना देने आए थे। गुरुवार को पी दयानंद पाई कॉलेज में 5 छात्रों को परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि कुछ छात्रों ने उन्हें रोक दिया था। हमें शुक्रवार तक इस घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया था। जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने पुलिस तैनात कर दी। मंगलुरु के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा कि शुक्रवार की सुबह ये 5 छात्र परीक्षा के लिए कॉलेज लौटे, लेकिन छात्रों के एक अन्य समूह से उनका सामना हुआ। उन्होंने बताया कि हम विशेषज्ञ की राय के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के बाद प्रिंसिपल ने कहा था कि कॉलेज उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से चलेगा और छात्रों को हेड स्काफ के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा। न्यूज़ डेस्क, Time24 न्यूज़। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।